Myself, I'm Ratna Bhushan. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment and success. दुनिया को राय दिखाए भारत, दुनिया को राय दिखाए भारत, इस आर्टिकल को डॉक्टर विकास पांडे जी ने लिखा है दैनिक जागरण में। दुनिया को राय दिखाए भारत। कोरोना वायरस ने विश्व भर में तहलका मचा रखा है, भारत में भी इसने अपने पैर पसार लिए हैं। वैश्वीकरण के दौर में हम इस तरह की बीमारियों से बच नहीं सकते। एक अहम सवाल उभरता है कि क्या हम भारतीयों के पास कोई ऐसी स्वदेशी व्यवस्था है जो ऐसी समस्याओं से निपटने में सक्षम हो। ध्यान रहे कि केवल अच्छे चिकित्सकों के होने से ही कम गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पार नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के विषाणु मनुष्यों से अधिक ताकतवर हैं, जिनके काट ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं। कोरोना इसका एक उदाहरण है। मेरे ध्यान में नहीं आता कि भारत में ने किसी महामारी की दवा विश्व को उपलब्ध कराई हो या उपलब्ध कराने के गंभीर प्रयास किए हों। वर्तमान परिस्थिति में हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, दूसरे देशों की तरफ नहीं देख सकते कि वे हमारे लिए कुछ करें, हमारी समस्याओं को हल करें। इसलिए स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में न केवल अनुसंधान की जरूरत है, बल्कि पुरातन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी शोध की तरकरार है, जो रोगों के उपचार का एक नवीन विकल्प उपलब्ध कराए। वैश्वीकरण के दौर में चुनौतियां बहुमुखी हैं। दो तीन महीने के अंदर ही एक विषाणु ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए हैं। कई देशों ने खुद को बंद कर लिया है, लेकिन फिर भी कोरोना अपना रास्ता तलाश ले रहा है। इस वायरस का संक्रमण एक के बाद दूसरे देशों में फैलता जा रहा है। संक्षेप में कहें तो पूरी मानवता इस विषाणु के सामने असहाय नजर आ रही है। व्यापार के कारण लोगों का आवागमन रोकना दूभर कार्य है। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। समाधान लघु अवधि का न होकर दीर्घकालिक है। पहला समाधान तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, जो किसी भी दवा से ताकतवर है, और इस तरह के विषाणु से लड़ने में शरीर को ताकतवर बनाता है। वैसे तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हुए शोध को लेकर कई नोबल पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन 2018 में मिले नोबल पुरस्कार का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जो जेम्स एलिसन और तासुकु होजो को प्रतिरक्षा आधारित कैंसर की उपचार पद्धति के अन्वेषण के लिए दिया गया है। कैंसर जैसे गंभीर रोग का उपचार भी हमारे शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली से ही हो सकता है। ऐसे में ध्यान देने योग्य बात है कि योग और आयुर्वेद पूर्ण रूप से शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। जाहिर है कि दुर्दांत बीमारियों का हल हमारे देश की प्राचीन परंपरा के पास हो सकता है। निसंदेह ऐसा कहना पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा कि गंभीर रूप से बीमार लोगों का उपचार योग और आयुर्वेद पद्धति से हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद और योग इस रोगों से एक स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर एक केंद्रित प्रयास हो तो भविष्य में आयुर्वेद से इन बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। हालांकि विश्व भर में आज योग और ध्यान पर अनुसंधान भी हो रहे हैं, कैसे यह पद्धति रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को सक्षम बनाती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT जैसे विश्वविख्यात अनुसंधान केंद्रों में योग और ध्यान की क्रियाओं का मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है, जो डिप्रेशन और बेचैनी जैसे अनेक मानसिक रोगों से लड़ने से में एक प्रभावी हथियार के रूप में तेजी से उभर रहा है। दुख की बात है कि भारत से निकले ध्यान पर अपने शोध नहीं किया, न ही दुनिया भर के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की। भारतीय स्वदेशी तकनीक पर भारतीयों का वर्चस्व होना ही चाहिए। भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। ऐसे समय के साथ यहाँ जीवन शैली आधारित पीड़ितों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होगी। पिछले 10 वर्षों में मधुमेह से पीड़ित भारतीयों की संख्या 300% की वृद्धि हुई है। पिछले 40 वर्षों में शहरी भारत में हृदय रोगों की तादाद में 500% से अधिक की वृद्धि हुई है। ऐसे ही आंकड़े अन्य रोगों के लिए भी दिए जा सकते हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि योग, ध्यान और कई तरह की प्रचलित घरेलू औषधियाँ काफ़ी हद तक इन रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि इन पर पश्चिम देशों में अनुसंधान हो रहे हैं और हमें ही वे हमारी परंपराएं समझ रहे हैं। इसके विपरीत हम अपनी हजारों साल की उपचार पद्धति को लेकर आज भी एक निम्न मानसिकता से ग्रस्त हैं। इन परिस्थितियों में भारत में स्वदेशी उपचार पर अनुसंधान की सख्त जरूरत है, जिनमें सिद्ध और आयुर्वेद प्रमुख हैं। प्रतिरक्षा आधारित उपचार आज के समय में अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं, लेकिन इस तथ्य को स्थापित करने के लिए देश में विश्व स्तर के अनुसंधान की आवश्यकता है। साथ ही विश्व स्तर के आयुर्वेद अस्पतालों को खोलने की जरूरत है, जिनमें उपचार के साथ स्तरीय शोध भी हो।
दुनिया जिस तरह से बहुमुखी चिकित्सा आधारित समस्याओं का सामना कर रही है, उसका उपचार भारत की पुरातन परंपरा के पास उपलब्ध हो सकता है। इस तरह के उपायों से न केवल विश्व को लाभ होगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्रता मिलेगी, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना वायरस से उपजी COVID-19 जैसे महामारी की परिस्थिति में भारत शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले उपायों से खुद को बचाने के साथ विश्व को भी एक सही राह दिखा सकता है। लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं।